जिला यमुनानगर से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं। भारत में कुछ समय पहले जहां कोरोना महामारी ने दस्तक दी, अभी तक महामारी थमी नहीं कि अब पशुओं के अंदर लंपी बीमारी ने दस्तक दे दी है। जी हां, आपको बता दें कि आजकल गायों में लंपी रोग तेजी से फैल रहा है, जिसे लेकर पशुपालक बहुत ही ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। गाय के शरीर पर छोटे और बड़े फोड़े नुमा निशान बन रहे हैं, जो कि पशुओं में दर्द की शिकायत भी हो रही है। जब यह फोड़े फट जाते हैं तो इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि पशु चिकित्सक का कहना है कि अभी इस बीमारी का कोई भी उपचार नहीं मिला, क्योंकि यह बीमारी भारत में पहली बार देखने को मिली है। इससे पहले अन्य देशों में पशुओं में यह बीमारी देखने को मिलती थी, लेकिन भारत में इसने पहली बार दस्तक दी है। यमुनानगर जिले में 1000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिससे पशुपालक बहुत ही ज़्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं। अब सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इस बीमारी की जल्द से जल्द दवाई या फिर वैक्सीनेशन निकाली जाए। हालांकि अभी तक यही सामने आया है कि यह बीमारी सिर्फ गायों को ही हो रही है, अभी तक किसी अन्य पशु में यह बीमारी के लक्षण नहीं दिखाई दिए। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस बीमारी को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी कर दी जा चुकी है। जिले के गाँव के उनहेड़ी के पशुपालक रामवीर ने बताया कि उनके गाय के पूरे शरीर पर फोड़े नुमा निशान बन रहे हैं, जिससे पशुओं का दर्द व खुजली की शिकायत भी हो रही है। पशुओं ने चारा तक खाना बंद कर दिया तो वहीं दूध का उत्पादन भी कम हो गया। उन्होंने कहा कि अगर इस रोग को जल्द से जल्द नहीं रोका गया तो पशुपालकों को बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। तो वहीं एक हफ्ते से गायों में एक रहस्यमय बीमारी उत्पन्न हुई है, जिसमें पूरे गाय के शरीर पर दाफड़नुमा फोड़ानुमा निशान बने हुए हैं। गाय को काफ़ी दर्द होता है और गायें चारा खाना बंद कर देती है, और हमने कई डॉक्टरों से इसके बारे में सलाह ली और डॉक्टरों को दिखाया भी है। डॉक्टर सब हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमारे पास अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। हम सरकार से अपील करते हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी वैक्सीन या तो बाहर से मंगाई जाए, या सरकार देश के अंदर ही कोरोना की तरह इसकी वैक्सीन ईजाद करे, ताकि किसानों का पशु धन भी बचा रहे और किसानों को आर्थिक हानि होने से बचाया जा सके। तो मेरी सरकार से पुनः यही अपील है कि इसकी जल्दी से जल्दी वैक्सीन मंगाकर किसानों की सहायता की जाए। सर, इस बीमारी को लेकर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई एडवाइजरी जारी हुई? हाँ जी, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से ये एडवाइजरी जारी हुई है इस बीमारी के बारे में। मेन तो इसमें यही है कि कैसे अब इसको फैलने से बचाना है, कैसे अब इसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में रोक सकते हैं बचाने फैलने से। इसमें हम अपने पुलिस की मदद भी ले सकते हैं कि पुलिस की मदद लेकर जो जिस जानवर में बीमारी आ गया उनका ट्रांसपोर्ट को अवॉइड किया जाए, उसको एक जहाँ पे हैं वहीं पे रोका जाए, और जिस हर्ड में है उसको दूसरे हर्ड से दूर किया जाए। गाँव में अगर किसी एक फार्मर के बीमार तो दूसरे मालिक तक ना पहुँचे बीमारी, तो उसके लिए हमें जानवरों का एक जगह से दूसरी जगह जाना रोकना होगा। इस एडवाइजरी में उन्होंने ये भी कहा बताया है कि इसमें, क्योंकि ये मच्छर से फैलने वाली बीमारी है, तो इसमें मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करें और डिसइंफेक्टेंट सोडियम हाइपोक्लोराइड वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फार्म पे। एडवाइजरी के हिसाब से वैक्सीन गोट पोक्स वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी हमारे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई वैक्सीन नहीं आई है, अगर ये वैक्सीन आएगी तो इसका इस्तेमाल करेंगे। आजकल हम देख रहे हैं एक गायों में बीमारी, नई बीमारी आई है जो पहली बार ही देखने को मिली है, इसको लंपी स्किन डिजीज़। ये बीमारी वायरल बीमारी है जो वायरस के द्वारा हो रही है, और ये मच्छर काटने या मक्खी के काटने से होती है। इस बीमारी में एक्यूट बीमारी है, एक इसमें गाय का बुखार एकदम बढ़ जाता है, 104.5 डिग्री हो जाता है, और उसके बाद गाय के शरीर पर मोटे मोटे गांठें बन जाती हैं, और कई बार वो गांठें फट भी जाती हैं, जो अभी तक तो देखने को नहीं मिली हमारे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में, पर जैसे सुनने में आया है पंजाब में, राजस्थान में इस तरह के जख्म भी गांठों में मिल रहे हैं। ये बीमारी पहली बार इंडिया में रिपोर्ट हुई है, इससे पहले ये साउथ अफ्रीका में हुई थी 2019
धीरे धीरे हमारी तरफ पंजाब राजस्थान से हरियाणा की तरफ आ रही है। इधर राघौर में कुछ पशु गाय जाति के बीमार हैं जो लगभग 100-120 के आसपास होंगे, उनका वहाँ के पशु चिकित्सक इलाज कर रहे हैं। वैसे अभी तक इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं आई है, पर फिर भी गोट पोक्स वैक्सीन इफेक्टिव बता रहे हैं इसमें, पर अभी सरकार की तरफ से इसके बारे में कोई गाइडलाइन नहीं है करने के बारे में। अभी हमारे पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है और इसके हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रहा है ताकि सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि जब गाय को बुखार होता है तो उसमें दूसरी बीमारी भी आने के चांस रहते हैं। उस बीमारी को बचाने के लिए, हम सेकेंडरी इन्फेक्शन को बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो शरीर पे एलर्जी हुई है उसके एंटी एलर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ताकत के लिए इंजेक्शन विटामिन के इंजेक्शन भी दे रहे हैं। इसमें कुछ कंपनीज ने अपनी होम्योपैथी दवाई भी बाजार में उतारी है जो भी अच्छी इफेक्टिव बता रहे हैं। इसमें गाय को नीम के पत्तों से के उबाले उबले पानी में नहलाने से भी काफ़ी शरीर में आराम मिलता है और नीम के पत्ते से जब आप गाय को नहलाओगे तो उस पर मक्खी मच्छर भी कम बैठेंगे। मक्खी मच्छर कम बैठेंगे तो इससे फैलने का खतरा भी कम रहेगा। किसानों को जब पता लग जाता है कि उसकी कोई एक गाय बीमार हुई है तो उनको चाहिए कि उस गाय को बिल्कुल अलग कर दें ताकि ये बीमारी दूसरी गायों में ना फैले, क्योंकि ये लाग की बीमारी है। एक से दूसरे में लाग की अगर जख्म फट जाते हैं तो ये लाग एक से दूसरे में भी जा सकती है। पर मच्छर की रोकथाम के लिए भी किसानों को पशुपालकों को करना चाहिए, क्योंकि ये मच्छर काटने से ज़्यादा फैलती है। अगर कोई एक आपके एक गाय बीमार हो गई है तो उसको अलग मच्छरदानी में रखने की कोशिश करें और जब आप उसके पास जा रहे हैं या उसको हाथ लगा रहे हैं तो कोशिश करो कि ग्लव्स का इस्तेमाल करें या उसके बाद अपने अच्छी तरह से हाथ धो लें। कितनी डेंजरस सर मानी जा रही है ये बीमारी? ये बीमारी एक्यूट है, एकदम आती है, पर इसमें मृत्यु दर बहुत कम है। मृत्यु दर नहीं है, पर इसमें जैसे कि बीमारी आने के बाद पशु ओफीड हो जाता है, खाना बंद कर देता है, उदास रहता है, उससे उसकी प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ता है। तो मतलब किसान को इकोनॉमिक लॉस होता है इसमें और जानवर के मरने के तो चांसेस बहुत कम है। इसमें मरता नहीं है जानवर अगर ठीक से टाइम से पशुपालक ध्यान कर ले। अपने पशुपालकों को चाहिए कि अपने जैसे ही बीमारी दिखाई के लक्षण दिखाई पड़े अपने नज़दीक के पशु चिकित्सालय में जाएँ और पशु चिकित्सक के देख रेख में उसका इलाज कराएँ। यमुनानगर में 120 के आसपास गायों में रिपोर्ट हो चुकी है। हाँ, गांव जाके हमारी टीम भी जा रही है और लोकल जो स्टाफ है वो भी उनको गाइडेंस दे रहा है कि इसको कैसे बचाया जा सकता है कि आगे फैले ना बीमारी। उनको बताया जा रहा है कि आप मच्छरदानी का प्रयोग करें, मच्छरों को भगाने की दवाई का प्रयोग करें और जो जहाँ पे बीमारी है वहाँ डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करें।